तो आज की क्लास में हम देखेंगे एक्सओआर गेट, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक्सओआर गेट का सिंबल देखते हैं। तो एक्सओआर गेट का जो सिंबल होता है कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है, जैसे हमारा किसका होता है, और गेट का होता है। क्लियर हो गया इतना। मगर यहाँ पर क्या करते हैं, हम इस प्रकार का एक इसमें क्या लगा देते हैं, कट लगा देते हैं। क्योंकि ये ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जो हमारा एक्सओआर गेट होता है ये तीन गेटों का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। कौन कौन से गेट, इस पे हम दो नॉट गेट लेते हैं और दो एंड गेट लेते हैं और एक और गेट लेते हैं। इस प्रकार तीन गेटों को मिलाने पर जो हमारा गेट तैयार होता है उस गेट को हम कौन सा गेट बोलते हैं, एक्सओआर गेट। तो एग्जाम पॉइंट में क्वेश्चन आ सकता है कि जो हमारा एक्सओआर गेट होता है किसका कॉम्बिनेशन होता है। तो क्या होता है इसमें, केवल दो नॉट गेट और दो एंड गेट और एक और गेट। क्लियर हो गया इतना। देखो अब हम इसके फंक्शन की बात करते हैं। तो फंक्शन में क्या होता है, वाई बराबर ए प्लस बी, और ये प्लस के ऊपर हमने क्या लगा दिया, इसमें सर्कल लगा दिया है, ठीक है। क्योंकि हमारे इसमें दो इनपुट होते हैं और ये क्या होता है, आउटपुट होता है। ए और बी हमारे इनपुट हैं और वाई क्या होता है, हमारा आउटपुट होता है। अब गेट कौन सा है हमारा, ये एग्ज और गेट है। तो एग्ज और गेट में आपको याद करना होता है, जो और गेट का हमारा सिंबल क्या होता है, ए प्लस बी। हमें कुछ नहीं करना है, एग्ज और गेट में जो आपको ओ दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस ओ को कहाँ लगा देना है, इस प्लस के ऊपर से सर्किल बना देना है। इस प्रकार हम इसके गेट को क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो याद करने के लिए देखिए, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं एकदम सिंपल तरीके से। जो हमने एग्ज और में ये ओ है, मान लो इस ओ को हमने कहाँ लगा दिया है, प्लस के ऊपर को चढ़ा दिया है। तो इस प्रकार हमारा कौन सा गेट बन जाता है यहाँ पर, एग्ज और गेट। और किसका कॉम्बिनेशन होता है, दो नॉट और दो एंड और एक और गेट का कॉम्बिनेशन होता है। क्लियर हो गया। अब हम इसकी बात करेंगे इसके ट्रू टेबल की, यानी कि सत्य सारणी की। और सत्य सारणी याद करने के बीच की छोटी सी ट्रिक है, उसको भी आप देख लीजिए, ठीक है। तो हमारे इनपुट में क्या होता है, 0011, और बी में क्या होगा, 0101। तो सब में सेम रहता है, हमारे नॉट गेट को छोड़ के इसकी इनपुट वाली जो सारणी होती है। अब आउटपुट याद करने का तरीका देखो। तो देखो इस प्रकार इसका जो सिंबल बना, तो देखिए जो इसका फंक्शन है, वाई बराबर ए प्लस बी, और प्लस के ऊपर हमने क्या लगा दिया था, एक नॉट का सिंबल लगाया था। तो याद करने का तरीका इसको सिंपल होता है। देखो अब नॉट जो यहाँ पर लगा रहा है वो कैसा आकार का है, हमारा जीरो के आकार का। तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारी सेम चीज़ें होती है वो जीरो हो जाती हैं। देखो 0 0 0 और 1 1 0, बाकी को हमारा क्या रहेगा, एक हो जाएगा। क्लियर है। तो याद करने का तरीका एक ही है हमारा, एक्सओआर गेट में जो सेम चीजें होती हैं वो क्या होती है, जीरो हो जाती हैं। अब इसको हम एक बार आईसी ट्रेनर की सहायता से चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा कौन सा गेट है, एक्सओआर गेट है। तो एक्सओआर गेट को हमको मतलब सिंबल को पहचानना होता है, तो इस प्रकार का इसका सिंबल होता है। अब इसको हम इनपुट सिग्नल देंगे। अब इस प्रकार देखिए, यहाँ से इसको इनपुट देंगे इस वाले और इस वाले पॉइंट पे, तो दूसरे इनपुट को कनेक्ट कर रहे हैं इस प्रकार से। देखिए अब दोनों ही कनेक्ट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, जो इसका ये आउटपुट से रहा है इसको अपने इस मीटर में दिखाएंगे जो हमें इंडिकेट करता है, यानी कि इंडिकेटर में। ये आउटपुट हमने कनेक्ट कर दिया है इंडिकेटर में। अब पहली कंडीशन देखेंगे, इसके ट्रूथ टेबल के अनुसार हम दोनों को क्या देंगे, जीरो सिग्नल देंगे, तो आउटपुट हमें जीरो मिलेगा। इस कंडीशन में हमारा सर्किट वर्क नहीं करता है, यानी कि ऑफ कंडीशन में हमारा सर्किट रहेगा। इसमें सप्लाई देने के बाद ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद इसके मेन सप्लाई ऑन करेंगे, देखो आउटपुट हमें जीरो मिल रहा है। अब दूसरी कंडीशन देखेंगे, देखो एक को हम क्या कर देते हैं, वन कर देते हैं ऊपर वाले को, देखिए फिर हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, वन मिल रहा है, ठीक है। जब दोनों ये सेम होती है तब हमें आउटपुट क्या मिलता है, जीरो मिलता है। अदर कंडीशन में हमें वर्क ये वन मिलता है, जिस कंडीशन में हमारा वर्क ये करेगा। अब इसकी हम तीसरी कंडीशन को देखते हैं, ऊपर वाले को हम क्या कर देंगे, अभी जीरो कर देंगे, नीचे वाले को वन करते हैं, तो आउटपुट में फिर भी वन मिल रहा है। अब चौथी कंडीशन को देखते हैं, यहाँ पर दोनों सिग्नल को हम क्या कर देंगे, वन वन कर देते हैं, तो आउटपुट हमें जीरो मिल रहा है। यानी कि इस कंडीशन में हमारा सर्किट वर्क नहीं करता है दोनों सिग्नल सेम होने पर, ठीक है। कौन सा गेट, हमारा एक्सओआर गेट। तो एक्सओआर गेट के दो तीन क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। तो एग्जाम पॉइंट में से दो तीन क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन, इसका सिंबल हमें चूज करना होता है, तो इस प्रकार का इसका सिंबल होता है, इसको देख लीजिए। उसके बाद फंक्शन हमने याद करता है, वाई बराबर ए प्लस बी हमारे और गेट का होता है। एक्सओआर में क्या करते हैं, हम जीरो को यहाँ इसके ऊपर चढ़ा देते हैं। तो इस प्रकार हमारे सारे करेक्शन हो जाते हैं। इसके करेक्शन में हमें क्या मिलेगा, इसका इस प्रकार से आउटपुट मिलेगा, सेम सेम चीज़ें जीरो हो जाएंगी, बाकी हमारी वन होती है। और तीन गेटों का एक कॉम्बिनेशन होता है, इसमें दो नॉट गेट यूज करने होते हैं, दो एंड करने होते हैं और एक और गेट करना होता है। इस प्रकार हमारा एक जो और गेट तैयार हो जाता है। इस प्रकार ये प्रैक्टिकल हो चुका है। थैंक यू।